बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड दैट इज़ इफ़ द ऑब्जेक्ट्स एंड द इमेजेस आर गिवन, हाउ शुड वी डिटरमिन विच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन परफॉर्म्ड। सो आई विल बी डूइंग अ फ्यू एग्जांपल्स एंड विद दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। कॉन्सेप्चुअली देर इज़ नथिंग न्यू इन इट। यू शुड नो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव डन। यू शुड नो हाउ टू डिस्क्राइब दैम एंड यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज देम थ्रू द matrices. So let's do a few questions. So this is the first question, and the question is, the diagram shows triangle P. Q has vertices -2, 4, 6, 0, -2, 4, 6, 0, and 6, 4. Are you all with me? -2, 4, 6, 0, 6, 4, and you are told to identify which transformation has been performed. So it's obvious that enlargement has taken place. अच्छा, याद रखिएगा, enlargement में जो point move नहीं करता वो center of enlargement होता है. So the transformation is an enlargement with center of enlargement being -2, 4 and enlargement factor निकालने का फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस from center of enlargement, image distance from center of enlargement over object distance from center of enlargement. So center of enlargement से ये point कितना दूर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So image distance is 8 units away, object is 1, 2, 3, 4, 4 units away. So enlargement factor is the transformation is an enlargement with center of enlargement -2, 4 and enlargement factor is 2. I hope this is clear to all of you. Let's do another question. The diagram shows triangle A and triangle B. Translation maps A onto B. State the column vector representing the translation. Object plus translation is equal to image is the formula. So translation is equal to image minus object. तो image का कोई एक point ले लें, let's say ये वाला. Image का ये वाला point is 2, 4. Minus object. Object का ये वाला point is 0, 1. I hope सब follow कर रहे हैं. Object का ये वाला और image का ये वाला corresponding points हैं. तो 2 - 0 = 2. 4 - 1 = 3. So translation factor is 2, 3. आपसे बोला है state the column vector representing the translation. Are you all with me? Let's do another example. समझ में आया ना ये कि आपके पास object है, आपके पास image है और आपको बोला है translation हुई है. Translation is image minus object. क्यों? Object plus translation image था. So translation is image minus object. तो image की value लिखी 2, 4, object की value लिखी 0, 1 और ट्रांसलेट कर दिया. ऑलराइट,
सो इस वाले में क्या हो रहा है, द डायग्राम शोज ए बी एंड सी, डिस्क्राइब फुली अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी. अब आप नोट करें, ए से बी पे जाने के लिए कोई रिफ्लेक्शन हुई, नहीं हुई, कोई साइज बड़ा छोटा हुआ, नहीं हुआ, ओरिएंटेशन बदली, नहीं हुई. तो ना रिफ्लेक्शन है, ना रोटेशन है, ना इनलार्जमेंट है, इसका मतलब ट्रांसलेशन है. सो ट्रांसलेशन फैक्टर क्या होगा, ये वाला पॉइंट 5, ट्रांसलेशन इज इक्वल टू इमेज माइनस ऑब्जेक्ट, इमेज इज 5 - 2, ऑब्जेक्ट इज 4, 3. सो दिस इज 1 - 5. सो डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन विद ट्रांसलेशन फैक्टर 1 - 5. 1 - 5 का मतलब है 1 स्पेस ऑन एक्स एक्सिस की मूवमेंट है एंड -5 ऑन वाई एक्सिस की मूवमेंट है. उसके बाद बोला डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी. अब ए से सी पे जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ. साइज बड़ा हो गया, येस, तो इसका मतलब इनलार्जमेंट है. अब हमें चेक करना पड़ेगा इनलार्जमेंट का सेंटर क्या है. इनलार्जमेंट का सेंटर निकालने के लिए तरीका ये होता है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को इमेज से ज्वाइन करें, और जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को इमेज से ज्वाइन करेंगे और लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आ जाता है. तो आप नोट करें ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आ रहा है, दैट इज 5, 3. लेकिन चूंकि ये मैंने एक्यूरेटली स्केल से नहीं बनाया तो हो सकता है कि ये सही ना हो. सो लेट्स मेक इट एक्यूरेटली. थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक्यूरेटली बने. हम ऑब्जेक्ट और इमेज को जॉइन करते हैं. तो हमने जब ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन किया थोड़ा सा एक्यूरेटली तो ये पॉइंट आ रहा है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट. अब हम लोग फॉर्मूले लगाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट image distance from center of enlargement over object distance from center of enlargement. तो image distance from center of enlargement is 2 space left, 1 space नीचे, 2 space left -2, 1 space नीचे -1. और image distance क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 space left -6, और 1, 2, 3, 3 space नीचे. कोई से भी एक पॉइंट के साथ देख लें आप, किसी भी एक पॉइंट. इस वाले पॉइंट को देखेंगे, इस वाले पॉइंट को, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 space left, 3 space नीचे. और इसका जो इमेज है वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 space left, 9 space नीचे. सो -9, -6 -3, -2. अब अगर मैं इस वाले में 3 कॉमन निकाल लूं, -2, -1, -2, -1 कैंसिल हो गया. इस वाले में
किसी और पॉइंट के साथ देखना है तो किसी और पॉइंट के साथ देख लें, 1 2 3 1 2 3, -3 -3 -3 -3 एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 -9. तो अगर मैं 9 कॉमन निकालूं तो -1 -1, 3 कॉमन निकालूं तो -1 -1, यू आर लेफ्ट विथ 3. सो इनलार्जमेंट फैक्टर इज 3. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इनलार्जमेंट. सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज 6, 4 and enlargement factor is 3. I hope this is clear. Okay, then one vertex of triangle A is 2, 1. One vertex of triangle A is 2, 1. This is 2, 1. अब आपको बोल रहा है when the coordinates of this point, when it is reflected along line y equals to minus x. जब y equals to minus x से reflect होते हैं तो हमने क्या सीखा है? Coordinates interchange their places and even their sign changes. So -1, -2. Rotated 90 degree anti-clockwise about 1, -1. 1, -1. This is the point. इससे 90 degree anti-clockwise rotate हो रहा है. तो दो space ऊपर, एक space right. दो space ऊपर, एक स्पेस राइट. जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो दो स्पेस लेफ्ट, एक स्पेस ऊपर. दो स्पेस लेफ्ट, एक स्पेस ऊपर यहां पे आ जाएगा. दैट इज -1, 0. आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग मी. 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो दो स्पेस ऊपर, एक स्पेस राइट विल गो. दो स्पेस लेफ्ट, एक स्पेस ऊपर. And that is it. I hope सब follow कर रहे हैं. Next is this. And I think it has another part also. Let's see if it has another part. No, that's a separate question. So this is it. The diagram shows A, B and C. अब आपको object और image दोबारा दिए हैं. Describe fully a single transformation which maps A onto B. Orientation बदल रही है, reflection साफ साफ नजर आ रही है. कौन सी line से reflect हुआ होगा? गौर से देखेंगे तो अंदाजा होगा कि line of reflection ये लग रही है. एक space ऊपर, एक space नीचे. 1, 2, 3 ऊपर, 1, 2, 3 नीचे. आर यू ऑल विद मी? 1, 2, 3 ऊपर, 1, 2, 3 नीचे. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्शन अलोंग लाइन y इज इक्वल्स टू 1. देख के पास साफ साफ पता चल गया. अगर किसी को देख के ना पता चल रहा हो लेकिन उसको ये अंदाजा हो जाए कि रिफ्लेक्शन हुई है. सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ए ऑन टू सी. ए से सी पे जाने और उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है. फिगर छोटा हो रहा है मतलब इनलार्जमेंट हो रही है. इनलार्जमेंट जब होगी तो स्केल फैक्टर ऑफ इनलार्जमेंट भी बताना पड़ेगा, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट भी बताना पड़ेगा. उसके लिए लेट्स ट्राई टू फर्स्ट जॉइन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज एंड ट्राई टू फाइंड द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फर्स्ट.
किसी भी दो पॉइंट से हम ज्वाइन करके सेंटर ऑफ जो लग रहा है वो ये लग रहा है माइनस फाइव कॉमा जीरो इज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट. नाउ लेट्स चेक. याद रखिएगा ए से सी पे जा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है. सो इमेज का ये वाला पॉइंट लेट से ले लेते हैं. सो एक दो तीन चार पांच स्पेस राइट, चार स्पेस राइट, एक दो तीन चार स्पेस राइट, एक स्पेस ऊपर, चार स्पेस राइट, एक स्पेस ऊपर, ये इमेज है. ऑब्जेक्ट इज एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ स्पेस राइट और दो स्पेस ऊपर. कोई से भी एक पॉइंट ले लें, ये वाला ले लें अगर दिल चाह रहे तो चलें. ये लेंगे तो इसका ये वाला लेना पड़ेगा. एक दो तीन चार पाँच छः स्पेस राइट, दो स्पेस ऊपर, छः स्पेस राइट, दो स्पेस ऊपर. और जब इसका ये वाला ले रहे हैं तो इसका भी ये वाला लेंगे. एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ट्वेल्थ स्पेस राइट, वन टू थ्री फोर स्पेस अप. तो अगर फोर कॉमा वन, यहाँ टू कॉमन निकाल लूँ तो फोर कॉमा वन, अगर मैं टू कॉमन निकालूँ तो थ्री कॉमा वन, और फोर कॉमन निकालूँ तो थ्री कॉमा वन. ये कैंसिल हो गया. इनलार्जमेंट फैक्टर इज हाफ. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इनलार्जमेंट विद इनलार्जमेंट फैक्टर हाफ, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट माइनस फाइव कॉमा जीरो. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. प्लीज़ ऑब्जर्व कर लें ताकि आपको ये सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हो क्या है. अगर साइज बदल रही है तो प्लीज़ ऑब्जर्व करें कि साइज के बदलने का मतलब ये होता है कि इनलार्जमेंट हो गया. अगर ओरिएंटेशन बदल रही है तो इसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन हुई है. और अगर सिर्फ जगह आगे पीछे हुई है तो इसका मतलब होता है के ट्रांसलेशन हुई है. और अगर रोटेशन होगी तो फिगर आपको बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ओरिएंटेशन ऐसे बदली है कि या तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया है या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया है या 180 डिग्री रोटेशन हो गई है. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं यहां तक. आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया. नेक्स्ट पार्ट इज अनदर ट्रांसफॉर्मेशन इज represented by matrix P where P is 0 minus 1 1 0. 0 minus 1 1 0 का मतलब होता है, मैंने last video lecture में आपको सिखाया था matrices representing transformations, ठीक है ना. और मैंने आपको बताया था कि 0 minus 1 1 0 का मतलब होता है नाइन्टी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन. नाइन्टी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन. जीरो माइनस वन वन जीरो इज नाइन्टी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन. सो अब आपको बोल रहा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल डी. ए को 90 डिग्री रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन. सो लेट्स डू इट. एक एक करके देखते हैं. मैं ब्लू कलर से करूँगा. तो ये है तीन स्पेस राइट दो स्पेस ऊपर, तीन स्पेस राइट दो स्पेस ऊपर, तीन स्पेस राइट दो स्पेस ऊपर. नाइन्टी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. मैंने आपको कहा था ना मैट्रिक्स देख के आपको जज करना पड़ेगा क्या हो रहा है. बिल्कुल तीन स्पेस ऊपर दो स्पेस लेफ्ट, तीन स्पेस ऊपर दो स्पेस लेफ्ट, ठीक है जी. ये वाला पॉइंट इज सेवन स्पेसेस राइट फोर स्पेस ऊपर,
सेवन स्पेसेस राइट, फोर स्पेस ऊपर, नाइन्टी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन विल गो सेवन स्पेस ऊपर, फोर स्पेस लेफ्ट, सेवन स्पेस ऊपर, फोर स्पेस लेफ्ट, अग्री। ये वाला पॉइंट इज फाइव स्पेस राइट, चार स्पेस ऊपर, फाइव स्पेस राइट, चार स्पेस ऊपर, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज फाइव स्पेस ऊपर, फोर स्पेस लेफ्ट, फाइव स्पेस ऊपर, फोर स्पेस लेफ्ट। सो दैट इज इट। सो हमें वर्टिसेस बताने हैं। वर्टिसेस आर माइनस टू कॉमा थ्री, माइनस टू कॉमा थ्री, माइनस फोर कॉमा फाइव, माइनस फोर कॉमा फाइव एंड माइनस फोर कॉमा सेवन। आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग मी। डिस्क्राइब फुली अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स पी। हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। इट इज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन। आई होप दिस इज क्लियर। देखा मैंने कहा था कभी मैट्रिक्स बनवाएगा और कभी मैट्रिक्स देगा और बताएगा कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है और करके दिखाओ। आई होप सबको क्लियर है। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन सो दैट आवर कॉन्सेप्ट्स आर फर्दर क्लैरिफाइड। All right. अब बोल रहे ट्राइंगल ए इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स माइनस टू जीरो जीरो माइनस टू के जीरो जीरो के। आपको बोल रहा है पी मैप्स ए ऑन टू बी, ड्रॉ एंड लेबल बी। क्या है ये? द ट्रांसफॉर्मेशन इज एन enlargement with enlargement factor minus 2 and center of enlargement as origin। matrix जब दिया होता है तो origin ही होता है। so जब origin होता है तो हम क्या करते हैं 2, 1, 3, 1, 2, 3 तीनों points लिखे, मल्टीप्लाई बाय इनलार्जमेंट फैक्टर किया विच इज माइनस टू, माइनस फोर कॉमा माइनस टू, माइनस सिक्स कॉमा माइनस टू, माइनस फोर कॉमा माइनस सिक्स, माइनस फोर कॉमा माइनस टू, माइनस सिक्स कॉमा माइनस टू, माइनस फोर कॉमा माइनस सिक्स। सो दिस इज ट्राइंगल बी। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ गया सबको? दैट इज इट। नेक्स्ट ये इसी का हिस्सा है जो अभी हम सवाल कर रहे थे। सो इफ इट कैन गो अप, ओके, सो हियर इट इज। सो आपको बोला डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, वह मैं ऑलरेडी कर चुका। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इनलार्जमेंट विद इनलार्जमेंट फैक्टर माइनस टू, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन। राइट डाउन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए टू रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी। हमेशा याद रखिएगा जो आपका इनलार्ज फिगर होता है और जो ओरिजिनल फिगर होता है दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। द इनलार्ज्ड फिगर एंड द ओरिजिनल फिगर आर सिमिलर ट्राइंगल्स। द इनलार्ज फिगर एंड द ओरिजिनल फिगर आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सो रेशियो ऑफ एरियाज विल बी
इनलार्जमेंट फैक्टर इज टू वन द होल थिंग स्क्वायर, यानी माइनस टू इज टू वन द होल थिंग स्क्वायर इज फोर इज टू वन. तो आपको रेशियो ऑफ ए इज टू बी चाहिए तो वन इज टू फोर हो जाएगा, बी इज टू ए चाहिए तो फोर इज टू वन हो जाएगा. आपको ए इज टू बी बोला है सो वन इज टू फोर इज द रेशियो. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. उसके बाद बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1. क्या होता है याद करो, ये होता है रिफ्लेक्शन अलोंग 1 0 0 माइनस 1 इज रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस. सो आप बोल रहे क्यू मैप्स बी ऑन टू सी, बी ऑन टू सी, ड्रॉ एंड लेबल बी. जब आप कोई चीज रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस करते हैं तो हमने क्या सीखा है, द एक्स कोऑर्डिनेट्स डू नॉट चेंज, साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस. तो इसका मतलब माइनस फोर कॉमा माइनस टू विल बिकम माइनस फोर कॉमा टू, माइनस सिक्स कॉमा माइनस टू विल बिकम माइनस सिक्स कॉमा टू एंड माइनस फोर कॉमा माइनस सिक्स विल बिकम माइनस फोर कॉमा सिक्स. आर यू ऑल विद मी? सो दिस इज सी. आई होप सब फॉलो कर रहे. उसके बाद जो पार्ट सी है ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेचिंग है. स्ट्रेचिंग इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस एनीमोर. सो सिंस स्ट्रेचिंग इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस एनीमोर इसलिए हम पार्ट सी नहीं करेंगे, पार्ट बी तक इसको हमने रोक दिया. आई होप सबको समझ में आ गया. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हमने रिफ्लेक्ट करके दिखा दिया. दैट इज इट. लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. एंड इस एग्जाम्पल के बाद मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा कि देख के हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ट्राइंगल कौन सी इनलार्जमेंट परफॉर्म की गई है. आई थिंक ये हमने ऑलरेडी कर लिया है. यस दिस इज द सेम थिंग अगेन. सो दैट इज इट. दिस इज डन. डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन यही वाला दोबारा रिपीट हो रहा है. सो आई गेस दैट्स डन. सो वॉट वी नीड टू डू नाउ इज हाउ टू आइडेंटिफाई विच ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड बाय लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट and the image. How to identify which transformation is performed by looking at the object and the image. Number one, if neither area nor orientation has changed, then it is an indication that translation has been performed. To find the translation factor, we will apply the formula ट्रांसलेशन इज इमेज माइनस ऑब्जेक्ट. समझ में आई बात? ओरिएंटेशन नहीं बदली, मतलब ऊपर की चीज ऊपर ही है, नीचे की चीज नीचे ही है, और साइज भी नहीं चेंज हुआ, तो इसका मतलब ट्रांसलेशन हुई है. इफ द साइज हैज चेंज्ड, इट मींस इनलार्जमेंट has been performed.
टू फाइंड द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट वी विल जॉइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विद देयर corresponding image. If size has changed, it means enlargement has been performed. To find the center of enlargement, we will join all the points of object with the corresponding image and extend the lines. The point where all lines meet is center of enlargement. ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज की सारी पॉइंट्स को जॉइन करना है. जहाँ पे ये सब इंटरसेक्ट करेंगे, ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होगा. वंस center of enlargement is achieved, then to find the enlargement factor, we will apply the formula. Enlargement factor is equals to image distance from center of enlargement over object distance from center of enlargement. Image distance from center of enlargement over object distance from center of enlargement. If orientation has changed, it will either be reflection or rotation. Orientation change होने का मतलब है कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए, तो इसका मतलब ओरिएंटेशन बदल गई है. द ओरिएंटेशन हैज चेंज, या तो रिफ्लेक्शन हुई है या रोटेशन हुई है. इफ एक्स कोऑर्डिनेट्स हैव नॉट चेंज्ड बट sine of y coordinate has changed, reflection along x axis hui hai. If y coordinates have not changed but sine of x coordinate has changed, reflection along y axis hui hai. If x and y coordinates have interchanged the places, reflection along line y is equals to x हुई है. If x and y coordinates have interchanged the places and sign has also changed, reflection along
लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, इफ ईच पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर इक्विडिस्टेंट, यानी हर ऑब्जेक्ट और हर इमेज का पॉइंट एक दूसरे से इक्वली बराबर है, देन रिफ्लेक्शन अलोंग एनी अदर लाइन, देन रिफ्लेक्शन अलोंग एनी अदर लाइन हैज टेकन प्लेस। इफ ईच पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर इक्विडिस्टेंट, देन रिफ्लेक्शन अलोंग एनी अदर लाइन हैज टेकन प्लेस। To find the line of reflection, we will draw a perpendicular bisector of each point of object and image. All perpendicular bisectors will be same. Will be same. Indicating that it is the line of reflection. समझ में आई बात? अगर तो orientation बदली है तो इसका मतलब या तो rotation है या reflection है। रिफ्लेक्शन को आइडेंटिफाई करना आसान होता है तो हम पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्शन तो नहीं है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट हैज नॉट चेंज, सिर्फ साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट हैज चेंज तो रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। इफ वाई कोऑर्डिनेट हैव नॉट चेंज बट द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट हैज चेंज, रिफ्लेक्शन अलोंग लाइन वाई इज इक्वल वाई एक्सिस है। इफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैव इंटरचेंज देयर प्लेसेस, रिफ्लेक्शन अलोंग लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स है। इफ एक्स एंड वाई हैव इंटरचेंज देयर प्लेसेस एंड देयर साइंस हैव आल्सो चेंज्ड, लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है। If each point of object and the each point of image are equidistant from each other, then any other line हुई है, and to find the line of reflection, we'll draw a perpendicular bisector. हम perpendicular bisector बनाएंगे और हर object और image का जो perpendicular bisector होगा वो same आएगा और वही line of reflection हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इन पांच में से कुछ ना हो, एक दो तीन चार पांच, अगर इन पांच में से कुछ ना हो तो इसका मतलब इफ नन ऑफ द अबव हैज अकर्ड, इट मीन्स rotation has taken place. To find the center of rotation, the following steps are applied. To find the center of rotation, the following steps are applied. Number one, join each point of object with the image, make perpendicular bisector of each joined line. The point where all perpendicular bisectors meet is the center of rotation. एक दफा center of rotation मिल गया तो फिर तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सी rotation हुई है, 90 degree clockwise, anti-clockwise या 180 degree rotation. ठीक है, पहले हम चेक करेंगे reflection है कि नहीं है। reflection होगी तो पांच में से कोई एक category में fit in हो जाएगा। पांच में से किसी category में fit in ना हो तो मतलब रोटेशन हुई है क्योंकि ओरिएंटेशन बदली है। रोटेशन हुई है
तो आपको सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना पड़ेगा। सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए आपको स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले हर ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करें। पहले हर ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करें, ठीक है, और उसके बाद उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएं। जिस जगह पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। द पॉइंट वेयर ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स विल इंटरसेक्ट पहले सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ज्वाइन कर लें और सबके अलग अलग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह होगा। तीसरा पॉइंट ज्वाइन करें, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह होगा। सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। जिस पॉइंट पर सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे वो सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो देख के पता चल रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। आर यू ऑल विद मी? सो इट डिपेंड्स ऑन द फिगर्स के क्या हो रहा है। अगर यहां बन जाएगा फिगर कुछ ऐसा हो जाता तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाती, और अगर फिगर कुछ ऐसा हो जाता तो ये 180 डिग्री रोटेशन हो जाती। तो इट ऑल डिपेंड्स कि फिगर कैसा है, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी किस्म की रोटेशन परफॉर्म हुई है। सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए मैंने स्टेप्स सिखा दिए। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। मैंने हर तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपको करके दिखा दी। अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दिए हुए हों तो आपने पहली चीज़ देखनी है कि क्या साइज चेंज हुआ या सिर्फ जगह बदली। अगर सिर्फ जगह बदली तो ट्रांसलेशन, अगर साइज बदली तो इनलार्जमेंट, अगर साइज भी नहीं बदली और जगह भी नहीं बदली ओरिएंटेशन बदल गई है। तो ओरिएंटेशन बदलने का मतलब होता है कि इस तरह का कुछ हो गया, चीज़ टॉप कहीं और चला गया है, बॉटम कहीं और चला गया है, बेस कहीं और चली गई है, हाइट कहीं और चली गई है। तो इस केस में या तो रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है। रिफ्लेक्शन होगी तो इन पाँच में से कुछ हो जाएगा, या तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होंगे या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, या एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे, या एक्स और वाई इंटरचेंज होगी लाइन भी चेंज होगी, या ऑब्जेक्ट और इमेज कम्प्लीटली इको डिस्टेंट होगा फ्रॉम ईच अदर। तो इस केस में तो रिफ्लेक्शन है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज निकालें, वही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर इन पांच में से कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब रोटेशन हुई है। रोटेशन हुई है तो सेंटर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें हर ऑब्जेक्ट को इमेज से ज्वाइन करना पड़ेगा, हर पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। जहाँ पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, और जहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया उसको देख के पता चलेगा कौन सी रोटेशन परफॉर्म हुई है। आई होप दिस इज क्लियर। आई डिड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सो इंशाल्लाह ताला आई विल बी गिविंग यू होमवर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक नेक्स्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज। ट्रांसफॉर्मेशंस इज ओवर हियर। ट्रांसफॉर्मेशंस इज डन। थैंक यू।